मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, वालेकुम सलाम। यस मैम, आ रही है। जी, आज जो मैप पढ़ना है उससे पहले जो है वो जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, हम लोगों ने वर्ल्ड मैप स्टार्ट किया है और वर्ल्ड मैप जो है वो आपको पता है कि आप किसी भी एकेडमी में चले जाएंगे, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, आपको कोई भी सब्जेक्टिवली ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता। तो अब मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ उसको आपने अपने जहन में रखनी है और थोड़ा सा इसको जो है ना वो गौर से सुनना है। देखिए, ये दुनिया है हमारी, ठीक है। द वर्ल्ड जो है ये मैंने आपको बताया था कि इसकी शेप जो है वो ऑब्लीट सफेरॉइड है। हर बंदा कहता है कि कोई जो है, कोई कहता है कि जो अर्थ है ये ऑब्लीट सफेरॉइड है। और अर्थ यानी कि जो जिस तरह का माल्टा होता है ना, ऑरेंज जो होता है, ये किनू जिसको हम कहते हैं, उस तरह की शेप होती है इसकी। यानी ऊपर से नीचे से पिचकी हुई, यहाँ से ये थोड़ी खुली होती है। इस अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस होती हैं और सबसे बड़ी लाइन जो होती है ना, जो लंबी होती है साइज में, वो दरमियान वाली होती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेटर जो है ये हमारी जी जी आप स्क्रीन शेयर करिए। अभी स्क्रीन मेरी स्क्रीन, हाँ जी मैम। अच्छा, वैसे बता रही हैं। हाँ जी, ये मैं आपको अभी वैसे बता रही हूँ, अभी मैं इसको वो नहीं कर रही। अच्छा जी, जस्ट अ मोमेंट। ये इक्वेटर की लाइन होती है और हमें पता है ये 0 डिग्री का एंगल होता है। जब हम इक्वेटर से ऊपर को जाते जाते हैं तो यहाँ पे हमारा 90 का एंगल बनता है। एग्जैक्ट 90 नॉर्थ बनता है और 90 हमारा साउथ बनता है, ठीक है। ये तो हमारे पास लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड की लाइंस हैं। लेटीट्यूड में अगर हम इस तरह सारी जो लाइंस हैं ऐसे ऐसे ड्रॉ होती हैं, ठीक है, और हर एंगल जो है वो अर्थ के ऊपर बना हुआ है। इसी तरह लॉन्गिट्यूड में लाइन यहाँ से निकलती है और इस तरह एक नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल के अंदर आती है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट चीज होती है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी कैसे इम्पोर्टेंट है, देखें, ज्योग्राफी जो होती है उसका मतलब है कि जमीन है, इस पे पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन्स है, ठीक है, रिवर सिस्टम है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ठीक है, डेजर्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास प्लेन्स हैं। प्लेन जो होते हैं ना, ये वो वाले होते हैं जो मैदान होते हैं खुले, ठीक है, प्लेन्स हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, वॉल्केनोज हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ज्योग्राफी के फीचर्स हैं, ये हमारे पास कुछ ऐसी जगह जो ज्योग्राफी के अंदर चेंजेस होते हैं ना, उनका हमें पता होना चाहिए। वॉल्केनोज होते हैं, उसके अलावा हमारे पास वो होती हैं, उसको क्या कहते हैं, फॉल्स होती हैं, जो वाटर फॉल्स होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हमें पता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं ज्योग्राफी के जो ज्योग्राफी की शेप के ऊपर डिपेंड करते हैं। शेप किस तरह की है उसकी, आपको पता है कि आप जमीन के ऊपर चल रहे हो ना, ठीक है, ये हमारे पास सामने कोस्ट लाइन है, यानी ये समंदर है, ठीक है, ये कराची का आपने किनारा है, यहाँ पे ये बीच है, ठीक है। आप गए हैं तो ये जमीन है यहाँ पे,
यहां से आगे से डायरेक्ट समंदर चल रहा है। यहाँ पे पोर्ट होती है, आपको पता है पोर्ट्स दुनिया में डिफरेंट तरह की पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू हम काम करते हैं। कोई पोर्ट होती है जिसे हम कहते हैं शेलो पोर्ट, कोई पोर्ट होती है जिसको हम कहते हैं डीप सी पोर्ट। अब डीप सी पोर्ट कौन सी होती है ये आपको नहीं पता, हमें पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डीप सी पोर्ट जो है वो पाकिस्तान के पास है। कौन सी? गवादर पोर्ट है। शेलो पोर्ट में क्या फर्क है? देखें शेलो पोर्ट कैसे होगी, जमीन ऐसे नीचे को आ रही है और आहिस्ता 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 ना ऐसे समंदर शुरू होता है, ठीक है, यानी यहां से पानी जो है ना वो आ गया, ये सारा पानी है, ठीक है, और ये ना जमीन ऐसे को नीचे जा रही है, इसको हम कहते हैं शेलो पोर्ट। फर्ज करें कश्ती है ना, जो जो बहरी जहाज होता है ना जिसने किसी कंट्री के साथ ट्रेड करनी होती है, वो जितना नीचे होता है उसी तरह उतना ही ऊपर होता है, ठीक है। अब जो शेलो पोर्ट होती है ना उसमें क्या करता है कि जब बहरी जहाज कनेक्ट होता है ना जमीन के साथ यहाँ पे, तो नीचे से उसके टायर यहाँ पे फंस जाते हैं, इससे आगे वो नहीं आ सकता किनारे तक, ठीक है, यहां तक लेट्स से किनारा है, यहाँ पे पोर्ट शुरू हो रही है, यहां तक नहीं आ सकता। अब बहरी जहाज में आपने बड़ी बड़ी चीजें, उसके ज़ाहिर है कंटेनर्स मौजूद होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपने सामान, ज़ाहिर है जितनी ट्रेड हो रही है ज्यादातर वो समंदर के तरीके से हो रही है, तो अब वो यहाँ पे आके फंस जाएगा और यहाँ से छोटी छोटी कश्तियां नहीं होती जो लेबर वाली स्मॉल जो होती हैं कश्तियां, उनके थ्रू और लेबर के थ्रू पहले सारा सामान अनलोड होता है और वो यहाँ पे पोर्ट पे आता है, फिर दोबारा जब सामान ने रीलोड होना है तो इसी तरह कश्तियों पे जाएगा और दोबारा इसमें कश्तियों के थ्रू लोड होगा। अब आप देखिए वो आपके लिए कितना टफ हो जाता है कि छोटी छोटी कश्तियों में सामान को पहले उतारना, फिर लेके जाना, फिर उनमें दोबारा रीलोड करना, वापस लेकर आना। तो जो शेलो पोर्ट होती है वो आपका नुकसान करती है क्योंकि आपका डबल हो जाती है मजदूरी, लेबर की भी और आपकी एफर्ट की भी और टाइम की भी। डीप सी पोर्ट जो है वो हमारे पास ऐसे होती है कि जैसे लेट्स से ये कराची की लैंड है ना, डायरेक्ट ऐसे को नीचे आता है पानी और ये समंदर है, जो बहरी जहाज होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है इस तरह, ठीक है, डीप सी पोर्ट के साथ, वो डायरेक्ट लग जाएगा पोर्ट के साथ और सामान लोड होगा, रीलोड होगा और अनलोड होगा, सारा कुछ हो जाएगा। डीप सी और शेलो पोर्ट में ये फर्क होता है। इस तरह की पोर्ट्स भी जो होती हैं इनकी भी दुनिया में डिफरेंट तरह से इंपॉर्टेंस है, आपको एमसीक्यू आता है, पेपर आते हैं, इवन आपको एक एनालिसिस आता है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताती हूँ कि हम कहते हैं कि चाइना ने गवादर के अंदर क्या किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई है गवादर पोर्ट में, इसी तरह चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है हंबनतोता पोर्ट में, ठीक है। अब ये पोर्ट किधर है किसी को पता है? अब ये पोर्ट श्रीलंका में है, ठीक है। चाइना ने जब हंबनतोता पोर्ट में इन्वेस्टमेंट की, चाइना ने कहा कि मैं श्रीलंका जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा, सेम जिस तरह से चाइना ने गवादर में इन्वेस्टमेंट की है। और क्वेश्चन ये आता है कि जब चाइना ने हंबनतोता पोर्ट में इन्वेस्ट करके इसको बनाया तो इनको कहा कि अब जो पैसे तुम लोग मुझे वापस करोगे वो तुम लोगों के पास जब कश्तियां आएंगी, तुम लोगों का टोल टैक्स आएगा, तुम लोगों की ट्रेड होगी, तो जो पैसा तुम लोगों के पास आएगा वो हमें वापस कर देना, पोर्ट आप अपने अपने पास रखना, जब उधार उतर जाएगा तो ये पैसा हमें वापस दे देना। हुआ ये कि जब हंबनतोता पोर्ट बनी तो हंबनतोता पोर्ट थी शेलो पोर्ट, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि गवादर, हम कहते हैं कि हंबनतोता पोर्ट जब बनी तो इसके ऊपर ना महीने में कोई दो कश्तियां तीन कश्तियां, मतलब बड़े बड़े बैरी जहाज आते थे और इनकी ट्रेड कोई बहुत अच्छी चल नहीं पाई। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो श्रीलंका है ये अपना उधार चाइना को वापस नहीं कर पाया और चाइना ने क्या किया कि उसने कहा कि अब जो है ना तुम लोग हमें ये पोर्ट दे दो, प्लेज कर दो, गिरवी कर दो, अब जब तक ये उधार तुम लोग वापस नहीं कर पाते ये पोर्ट हम यूज करेंगे। अब चाइना वो पोर्ट अन्य बार यूज कर रहा है, उसका टैक्स चेक हर चीज चाइना ही ले रहा है और श्रीलंका के ऊपर लोन वैसे का वैसा है और पोर्ट भी हाथ से चली गई। अब इस वजह से लोग कहते हैं कि चाइना जो गवादर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक दिन आएगा कि वो गवादर भी हमसे इसी तरह छीन लेगा और लोगों के पास इस पे क्वेश्चंस हैं। अब देखें हमने अपना एनालिसिस क्रिएट करना है, किसी कंपनी के लिए करना है, किसी आपने एमसीक्यू के लिए करना है, किसी भी तरह आप सिंपल कॉमन सेंस यूज करें। आप कहें कि शेलो पोर्ट थी, इस पे आपके बहरी जहाज आ ही नहीं सकते थे, उनके लिए इतना ज्यादा लेबर और इतना पैसा, इवन रिफ्यूलिंग के लिए वो नहीं आ सकते, तो इस पे जब ट्रेड ही नहीं हुई सही से, इस पे तो ट्रेड पॉसिबल है ना, क्योंकि गवादर डीप सी पोर्ट है, डायरेक्ट बहरी जहाज आपके साथ कनेक्ट होता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो आउटकम हंबनतोता पोर्ट ने दी वो गवादर दे, गवादर बहुत ज्यादा पैसा देगी, हमने उसको लीज पे दिया हुआ है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट अच्छा स्टेप लेती है तो कभी भी हमारा फेट हंबनतोता पोर्ट वाला नहीं हो सकता, ये एक बड़ी डिबेट है।
आपको समझाने का मतलब है कि छोटी सी ज्योग्राफी की एक चीज जो आपको पता चल गई है कि एक शेलो और डीप सी पोर्ट में क्या फर्क है, उससे यू कैन क्रिएट योर ओन एनालिसिस, आप अपनी बातें अपनी चीजें आपको खुद ही पता चल जाती हैं। इसी तरह हमें पता है कि जमीन के हिस्से कुछ टुकड़ों में बटे हैं, कोई हम कहते हैं जो सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा है, जो सबसे बड़ा होता है उसको हम कहते हैं कि जी ये बरे आजम है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब हम जब कॉन्टिनेंट देखते हैं तो फिर छोटे छोटे हिस्से आ जाते हैं, जिस तरह अब एक जमीन का छोटा हिस्सा जो है ना जिसके चारों साइड पे पानी है उसको हम कहते हैं कि जी ये आइलैंड है, ठीक है। बहुत से दुनिया में कंट्रीज हैं जो आइलैंड है, जैसे जापान एक आइलैंड है, इसी तरह आइसलैंड एक आइलैंड है, इसी तरह हमारे पास ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, तो इस तरह बहुत से दुनिया में कंट्रीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड है, जापान सेल्फ इज एन आइलैंड, इसी तरह कोरियन जो है वो पेनिनसुला है। फिर आपको पता है कि जब ये आइलैंड के बाद एक और ऐसा जमीन का पोर्शन आता है कि जो देखे ये बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, इसके साथ ना यहाँ पे जमीन अटैच है और बाकी जो वो कंट्री है ना ऐसे बाहर को निकला हुआ है, यानी कि वो पूरी बाउंड्री के अंदर नहीं आ रहा, ऐसे बाहर को निकला है। ये जमीन अटैच है, इधर भी वाटर बॉडी है, इधर भी वाटर बॉडी है, इधर भी वाटर बॉडी है। जब कोई लैंड ऐसे अटैच होती है कि उसके तीनों साइड पे पानी है, एक साइड से वो जमीन से अटैच, यानी कि वो आइलैंड अब नहीं कहलाएगा, उसे हम कहेंगे कि ये पेनिनसुला है। और दुनिया में याद रखें कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पेनिनसुलाज हैं, अरेबियन पेनिनसुला जिसमें सऊदी अरेबिया है वो इटसेल्फ दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पेनिनसुला है। यहाँ पे हमें पता है कि ये यमन है, ये ओमान है, ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे अबू धाबी यानी वो है यूएई है, इधर हमारे पास लेबनान है, इसी तरह हमारे पास वो है, सॉरी लेबनान कह रही हूँ, इधर हमारे पास कुवैत है, ठीक है, इधर बहरीन है, इसी तरह यहाँ पे आगे हमारे पास ऊपर इराक चला जाता है, वो लैंड आ जाती है, यानी ये हमारे पास कंट्रीज है, ये एक बड़ा सा पेनिनसुला है। इधर इधर हमारे पास रेड सी है, इधर हमारे पास अरेबियन सी है, इधर हमारे पास पर्शियन गल्फ है, तो ये हमारे तीनों साइड पे वाटर है, इस साइड पे ऊपर को लैंड है। तो पेनिनसुला भी दुनिया में एक ज्योग्राफी की ऐसी किस्म है जिसको हम कहते हैं कि ये थ्री साइड पे वाटर बॉडी अटैच है और बाकी। अब इसी तरह पेनिनसुला जो है कोरिया, जो हम कहते हैं कि कोरिया कंट्री है, कोरिया चाइना के साथ ऐसे कनेक्टेड है, ये ऊपर नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, और नीचे साउथ कोरिया है, ठीक है। अब ये दोनों कंट्रीज एक पेनिनसुला बनाते हैं, इसको हम कहते हैं कोरियन पेनिनसुला, ठीक है, तो ये चाइना कंट्री के साथ अटैच है। इसी तरह दुनिया में और भी कंट्रीज हैं जो और उनके अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया का अगर जिक्र करें तो ऑस्ट्रेलिया इस शेप का है, ये मैं आपको सिर्फ अभी ना ये बता रही हूँ कि कैसे दुनिया में ना डिफरेंट फीचर्स हैं हमारे पास ना ज्योग्राफी के, जिनका नॉर्मली हमें पता भी नहीं होता और पेपर में आते हैं तो हम कहते हैं ये चीज क्या है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया है, लेट्स से ऐसे है ये, ठीक है। अब ये देखें, हमने देखा कि जब एक लैंड के साथ तीन साइड पे इस तरह की लैंड अटैच होती है कि तीन साइड पे पानी हो, एक साइड पे लैंड हो, तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। इसी तरह जमीन में जब समंदर या पानी की तह साइड पे लगती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इससे पानी तक टकराता है जमीन के साथ, तो वो जो यहाँ पे जमीन का एरिया होता है ना, लेट्स से वो स्ट्रेट एरिया था, ऐसे करके स्ट्रेट एरिया था, पानी इसके साथ टकराएगा, जब टकराएगा तो प्रेशर आएगा, जब प्रेशर डालेगा तो इरोजन होगी, यहाँ से पत्थर टूटेंगे, वो पानी में गिरेंगे, फिर थोड़ी इरोजन होगी, फिर होगी, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी शेप स्ट्रेट से जो है ना हटके कभी यू बन जाती है, कभी वी बन जाती है, कभी ऐसे ऐसे बन जाती है। तो हमें पता है कि समंदर जो है वो हमारी जो पूरी दुनिया है इसका, आपको पता है कि वर्ल्ड का ये 71% हमारे पास वी हैव वाटर, बल्कि नहीं 69% वी हैव वाटर। इस तरह हमारे पास जो 1% है वो फ्रेश वाटर है और जो बाकी है हमारे पास दैट इज लैंड एरिया। लेट्स से मैं आपको बताती हूँ, हमारी दुनिया जो है ना वो एक ग्लोब है, ग्लोब की सिर्फ फ्रंट वाली साइड पे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स हैं, बैक साइड पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी और मैं ग्लोब की कुछ क्वालिटीज आपको ज्योग्राफी के हिसाब से बताऊंगी कि हम कहाँ पे हैं। हम खड़े हैं तो हमें लगता है हम स्ट्रेट है, लेकिन हम जब मतलब हम अंदर बेसिकली हम ग्लोब की सतह के ऊपर है। अच्छा, ये मैंने ऑस्ट्रेलिया बनाया, ऑस्ट्रेलिया में ये देखें ऐसे यू बना हुआ है, यानी पानी ने इसको तोड़ तोड़ के ना इसका ऐसे यू बना दिया, यानी तीन साइड पे लैंड आ गई है, एक साइड पे वाटर है, इसको हम कहते हैं ये गल्फ है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट गल्फ है रशिया की, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा इनकी एक स्टेट है जो कि पेनिनसुला बना रही है, देखे ना इधर पानी इधर पानी इधर पानी, तो ये एक छोटी सी इनकी स्टेट है जिसको हम कहते हैं ये फलाना पेनिनसुला है, सही है। तो गल्फ इज द ऑपोजिट ऑफ पेनिनसुला, यानी गल्फ में तीन साइड पे लैंड है और पेनिनसुला में तीन साइड पे वाटर है।
इस तरह की बहुत से कंट्रीज हैं, जो कोई कंट्री पेनिनसुला है, कोई कंट्री जो है वो गल्फ में आता है, इसी तरह पर्शियन गल्फ को हमने देखा हुआ है। अच्छा, गल्फ में तो हो गया जी, ऐसे जमीन ने इरोड किया तो यू बन गया। अगर हम देखें कि पानी ने इरोड किया है लेकिन उसने बहुत ज्यादा इरोड नहीं किया, यानी जगह ज्यादा गहरी है लेकिन पानी बहुत ज्यादा शेलो है, तो इसको कहते हैं ऐसे बे की शक्ल का, ठीक है, इसको हम कहते भी बे ही है, सही, इसको हम कहते ही बे है। तो रशिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पे ना इस जगह पे इसी तरह हुआ है कि बहुत ज्यादा एरिया है जो इस तरह अंदर को इरोड हुआ है लेकिन इसका जो है इसने अंदर से शैलो है, यानी गल्फ तो बहुत गहरी थी ना, ये अंदर से बहुत शैलो है, तो इसका नाम है स्टार्क बे। ये दुनिया की बड़ी बे है, ये आपने याद रखनी है। मैं एक मिसाल दे रही हूँ, जब हम फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे हम सारी दुनिया की बेस पढ़ेंगे, सारे पेनिनसुलास पढ़ेंगे, सब कुछ हम उसके अंदर पढ़ेंगे, यानी ऐसा नहीं है कि हमने उसको मतलब वो करना है। पहले हम पॉलिटिकल मैप कवर करने के बाद ये सारे ज्योग्राफी के फीचर्स जो हैं, जो स्ट्रेट है, बे है, बाइट है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि लेट्स से बे से कम एरिया कवर किया है लेकिन हम ये कहते हैं कि ये देखें बे में ना बड़ा एरिया था। अब अगर कभी ऐसा हो कि पानी ने ना बे से तो कम एरिया कवर किया है लेकिन अंदर वो बहुत बहुत गहरा है और पानी उसने बहुत ज्यादा अंदर कर लिया है, तो इसको हम कहते हैं बाइट। जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज को बाइट करो, कोई बड़ी बाइट आप अपने छोटे बहन भाई किसी को एप्पल दे दो या कोई गिफ्ट या कोई पिज्जा खिला दो तो इतनी बड़ी बाइट लेता है कि पीछे कुछ नहीं बचता, वो वाली बाइट की मैं बात कर रही हूँ कि इतनी बड़ी बाइट हो कि वो बहुत ज्यादा आपका एरिया जो है वो कवर कर ले और बहुत ज्यादा वाटर आ जाए उसमें, तो इसको हम कहते हैं कि ये बाइट है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो फिर अब नेक्स्ट है हमारे पास, जस्ट अ मोमेंट, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, यस मैम आ रही है। ओके जी, ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं। मैंने आपको बताया था, अच्छा मैंने आपको जब गल्फ बताई है ना कि ये वाली गल्फ है कारपेंटिया, तो याद रखें कि ये ना हमारे पास नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ऐसे करके ये दुनिया में आपने देखा होगा। यहाँ पे ना नीचे छोटे छोटे कंट्रीज हैं ये वाले, ठीक है, ये ऊपर कैनेडा है, ये हमारे पास ये कैनेडा है, ये यूएस है, ठीक है, और यहाँ पे ना मेक्सिको है, मेक्सिको यूएस का जो है ना तीसरा कंट्री। यहाँ पे ना हमारे पास गल्फ वो है, गल्फ है, ये दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है जिसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये आपने याद रखनी है। ये खैर मैं फिजिकल फीचर में तो हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे, तो ये मैं वैसे आपको एक रफ सा आइडिया दे रही हूँ कि दुनिया की बड़ी गल्फ कौन सी है, दुनिया का बड़ा पेनिनसुला कौन सा है। बड़े के अलावा छोटा भी पूछते होते हैं लेकिन आपको एक पता चलना चाहिए कि ये वाली चीज कैसे कैसे है। मैं एक फीचर बताती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि दुनिया में वो फीचर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और उसकी क्या क्वालिटी है वो मैं आपको साथ ही बता दूँ। अच्छा, यहाँ से रह गए हमारी स्ट्रेट, ये इंडोनेशिया कंट्री है, इंडोनेशिया के बिल्कुल नीचे हमारे पास मलेशिया है, ठीक है। अब इंडोनेशिया और मलेशिया जो है ना ये छोटे छोटे आइलैंड्स के साथ मिलके बने हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ना लेट्स से मलेशिया में ना और इंडोनेशिया में यहाँ पे ऊपर एक जगह बनी हुई है, पानी वाटर पट्टी है, ठीक है, पानी की एक स्ट्रिप है। इधर हमारे पास है इंडियन ओशन, इधर हमारे पास है साउथ चाइना सी, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे एक जगह है जहां से हमने गुजरना है पानी के थ्रू। अब इंडियन ओशन में जो बहरी जहाज आते हैं ना उन्होंने यहाँ से स्ट्रेट से गुजर के आगे साउथ चाइना सी के अंदर जाना होता है। इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी वाटर बॉडीज है, इंडोनेशिया लैंड बॉडी है, मलेशिया लैंड बॉडी है, ठीक है। एक ऐसा फीचर दुनिया में जो कि कैनाल से बहुत बड़ा हो और रिवर से बहुत छोटा हो और समंदर से भी बहुत जो है वो छोटा हो या सी से भी छोटा हो, और वो उसकी ये फीचर हो कि वो ऐसी वाटर की पट्टी हो जो दो वाटर बॉडीज को मिलाए
यानी यहां से पानी जा रहा है ना इधर को, दो वाटर बॉडीज को मिलाए और दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करें, ऐसी फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जितनी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आप जितने एग्जाम्स देंगे, उसमें आपसे स्ट्रेट को ही पूछा जाएगा, जब जाएंगे कहीं पर स्ट्रेट ही आपसे पूछी जाएगी। दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करें और दो वाटर बॉडीज को मिलाए, उसको हम कहते हैं ये स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये जो दुनिया में हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेट मैंने आपको अभी ड्रॉ किया, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि मलक्का डायलेमा है चाइना का, क्योंकि चाइना की सारी ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होती है, ठीक है। इस तरह और भी बड़ी बड़ी दुनिया में स्ट्रेट है, बोनिफेरस है, वो जो दो दरिया समंदर है जिनके डिफरेंट कलर्स हैं और उनका पानी मिक्स नहीं होता, वो अलास्का के पास है, वहां पे स्ट्रेट ऑफ बोनिफेरस है, वो सारी चीजें हम फिजिकल फीचर्स में पढ़ेंगे। खैर, ये तो थोड़ी सी चीजें जो अब ज्योग्राफी क्योंकि हम स्टार्ट करने लगे हैं तो हमें पहले से एक रफ सा इनका आइडिया होना चाहिए। अभी ना मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, इसमें मैं कुछ जो है वो चीजें आपको बताऊंगी। जस्ट मोमेंट, पहले मैं आपको बताऊंगी अर्थ मैप्स, ठीक है। ये देखें, अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूं और मैं आपको ना दुनिया के कुछ फीचर्स बताऊंगी। आपको पता है कि ग्लोब हमारा इस तरह का है, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होना जरूरी है, वो ये है कि दुनिया है उसकी क्या शेप है और उसके अंदर क्या है। अक्सर हमें ये नहीं पता होता कि हम जो है वो, अब देखें ये हमारे पास बॉल, हमें पता लग गया इट्स लाइक अ बॉल, बॉल भी नहीं, इट्स लाइक जिस तरह किनू माल्टा होता है उस तरह से है ये, इन्होंने बिल्कुल इसको सर्कल किया हुआ है। अगर हम दुनिया को इस तरह केक की तरह काटते हैं ना, तो हमें नजर आता है कि दुनिया की एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर आप देखें कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। और सरफेस जो है उसके ऊपर जब ये कॉन्टिनेंट्स है, अगर हम इसको काटें तो अंदर देखें ऊपर एक ना पहले पतली सी लेयर है जिसको मैंने राउंड किया है, फिर एक मोटी सी लेयर है ये वाली, फिर उससे जरा लाइट लेयर है मतलब थोड़े छोटी थिकनेस में, और अंदर एक छोटा गर्म सा बॉल बना हुआ है। तो ये हमारे पास दुनिया जो है जिस ग्लोब के ऊपर हम रहते हैं उसके अंदर आप देखें कि किस किस तरह के फीचर्स हैं, कि अगर हम इन्हें काटेंगे तो क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट करें ये आप सतह पे है ना, ठीक है। ये हमारे पास जो ये हमारे पास लैंड है सारी, ये सारा हमारे पास ओशन है। ओशन जो होता है वो गहरा होता है और लैंड वाला एरिया ऊपर को उभरा होता है, ये सबको पता है। ये सारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, जैसे फुटबॉल होता है ना ब्लैक कलर का, फुटबॉल में एक ब्लैक पैच होता है और एक व्हाइट पैच होता है, वो आपस में सिले हुए होते हैं। इसी तरह अर्थ की सरफेस के ऊपर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं और वो और ओशियनिक प्लेट्स होती हैं जो आपस में सिली हुई होती हैं। ओशन की प्लेट जो होती है वो साइज में पतली होती है, जाहिर है क्योंकि बहुत गहरा होता है, तो ऊपर को प्लेट आएगी तो फिर उसकी गहराई कम हो जाएगी, और कॉन्टिनेंट की प्लेट ऐसे ऊपर को बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे सारा पानी होता है। अब होता ये है कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो जमीन ऊपर को है, ठीक है, तो ये थोड़ी डेंसिटी इसकी कम होती है, ये जरा हल्की होती है, क्योंकि ना जिस तरह आप केक एक प्लेट में डालते हो ना, और केक बनने से पहले आपको पता है कि वो आप सिर्फ एक पेस्ट उसका बना के डालते हो जो काफी थिक होता है, आप उसे ओवन में रखते हो तो वो उभर के बाहर आ जाता है और उसका साइज बहुत इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट में फर्क है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जमीन पे ऐसे नीचे लगी हुई है और ये जो है वो साइज में इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक होती है, यानी ये बहुत डेंस होती है लेकिन साइज में पतली होती है, और यहाँ पे सारा पानी है यानी ओशन का, और कॉन्टिनेंट जो ये ओशनिक प्लेट की मैं बात कर रही हूँ, और ये कॉन्टिनेंट्स की प्लेट है, ये ऊपर उभर गई हैं जैसे केक उभर जाता है, और इनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। ये हमारे अर्थ के ऊपर जो फीचर्स हैं वो ये हैं। अब याद रखना है कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना अर्थ की, जिसके ऊपर हम सारे रह रहे हैं क्रस्ट, उसमें ही वही है जिसमें कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट आपस में सिली हुई है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। तो आपने याद रखना है कि जो ऊपर वाली ये पतली लेयर है ना, जैसे सेब का छिलका होता है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। उसके बाद जब हम इसको काटते हैं तो अंदर जो पहला पार्ट आता है इसको हम कहते हैं मेंटल, MANTLE। अब ये मेंटल जो है ना, ये इस तरह से गर्म मादा है, आपने देखा होगा वॉल्केनो के अंदर से लावा निकलता है, तो लावा जब तक जमीन के अंदर है उसको हम कहते हैं कि ये मैग्मा है, यानी मेंटल के अंदर,
ऑरेंज कलर का, उसी तरह का वो जो गर्म मादा नहीं निकलता जो लावा बाहर निकलता है, वो उसको अंदर जब वो होता है मेंटल के अंदर, तो उसको हम मैग्मा कहते हैं। द मोमेंट वो किसी वॉल्केनो से या किसी जलजले की प्लेट फटती है उससे बाहर निकलता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये मैग्मा है, सॉरी लावा है। इसी तरह हमारे पास आउटर कोर है, ये कोर है बीच में ना, कोर के दोनों पार्ट्स हैं। आप ये देखें जो ऊपर वाली आउटर कोर है और ये इनर कोर है। आउटर कोर जो है ना इट्स लाइक सॉलिड, ये थोड़ी सॉलिड होती है आउटर कोर और ये थोड़ी ठंडी होती है। और अंदर वाली जो है वो इनर कोर है जो कि बहुत गर्म होती है और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। तो अर्थ हमारी अंदर से समझ लें एक आग का गोला ही है, बस ऊपर इसके जो है वो एक डाइवर्सिटी है ऑफ लाइफ। और बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास जानदार भी हैं, डीकम्पोजर्स भी हैं, और जानदारों में हमारे पास पौधे भी हैं और जानवर भी हैं और इंसान भी है, इंसान भी जानवर ही होता है। खैर ये तो एक हमारा बेसिक ज्योग्राफी का फीचर था जिसको हमने कर लिया। अच्छा क्लास का टाइम अगर आउट हो जाए तो आपने यही वाला जो मेरा लिंक है इसको दोबारा ज्वाइन करना है, या फिर इसको हम आपको शेयर भी कर देंगे दोबारा से। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होती है हरारत, गर्मी, यानी कि जितना कोई चीज गर्म है उतना उसका टेम्परेचर ज्यादा है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 36 डिग्री, ठीक है। अगर हमें बुखार होता है, ठीक है, और डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर फॉरेनहाइट में जाएं तो ये ऊपर चला जाता है, 98 फॉरेनहाइट हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। हमें बुखार है तो हम कहते हैं हमें 104 बुखार हो गया, हम 98 से ऊपर 104 पे चले जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर इतना है। हवा का हमारा गर्मियों में टेम्परेचर मैक्सिमम 55-45 तक जाता है, सर्दियों में हमारा टेम्परेचर 26-36 इसके दौरान में रहता है, ठीक है। आप पहाड़ी इलाकों में चले जाओ जीरो पे भी होता है टेम्परेचर, जो कि बहुत ठंड होती है। जितना टेम्परेचर ज्यादा है उतनी गर्मी ज्यादा है। सो अर्थ की कोर के अंदर जो है टेम्परेचर 3000 के करीब है हमारे पास, और सूरज की सरफेस के ऊपर तकरीबन 5000 है। तो आप अंदाजा लगा लें कि सूरज कितना गर्म होगा। खैर हमने अर्थ देख ली, ग्लोब देख ली, अब हमें पता लग गया कि ग्लोब के ऊपर हमारे पास मैप ये बने हुए हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं और वॉटर बॉडीज हैं। कॉन्टिनेंट हमने पता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारे पास एशिया, ये मैंने इसलिए बच्चों वाला लिया है ताकि हमारे लिए बहुत आसानी हो इसको समझने। हमें पता है कि जो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 है, उसमें सबसे बड़ा हमारे पास एशिया है। एशिया के बिल्कुल साथ देखें हमारे पास यूरोप लग रहा है, यूरोप के साथ नीचे हमारे पास अफ्रीका है, अफ्रीका, और यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ से बीच में एक लाइन जो कट कर रही है दैट इज इक्वेटर। अब इक्वेटर जो है ये वो जगह है जहां पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, डायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट पड़ने का मतलब है जो कंट्रीज इक्वेटर पे आते हैं वो कंट्रीज जो है उन पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और वो उनका टेम्परेचर जो होता है, उनका एयर टेम्परेचर जो होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, उनमें बहुत ज्यादा जो है वो आपने उसको देखना होता है, यानी कि उसको कहते हैं ये ट्रॉपिकल जोन है, उसमें बारिशें भी एक्सट्रीम है, गर्मी भी एक्सट्रीम है, हर चीज एक्सट्रीम है। अच्छा ये हमारे पास एशिया है, एशिया के साथ ही आप देखें कि जो कॉन्टिनेंट्स है ना ये डिवाइड हुए हुए हैं। एक बिल्कुल साइड जो है वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे है, दूसरी साइड बिल्कुल इस साइड पे चली गई है जो कि ईस्ट बन जाता है हमारा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये हमारे पास साइड अलग है, ठीक है। साउथ में हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, इसका थोड़ा सा अफ्रीका का पार्ट है और एंटार्क्टिका है, ठीक है। अब आप देखेंगे ओशन कौन कौन से हैं हमारे पास। अगर हम ओशन पे गौर करें तो ये हमारे पास हमारा जो है अपना जाती हमारा ओशन जो है इसको हम कहते हैं ये इंडियन ओशन है, ठीक है। इंडियन ओशन अब आप देखें कहाँ पे है, एशिया अफ्रीका के दरमियान इंडियन ओशन है इस साइड पे। अगर हम अफ्रीका से अमेरिका की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन जो है ये दो में डिवाइड है, ऊपर वाले को नॉर्थ अटलांटिक कहते हैं, नीचे वाले को साउथ अटलांटिक कहते हैं। आपको इधर भी पैसिफिक ओशन नजर आ रहा है, इधर भी पैसिफिक ओशन नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि अर्थ की जितनी बैक साइड है उस सारी में सारा का सारा पैसिफिक ओशन है। अर्थ के पूरे कवर के ऊपर कंट्रीज नहीं है, अर्थ के सिर्फ और सिर्फ बैक साइड के ऊपर पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है, विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। और अर्थ के फ्रंट पे वी हैव कॉन्टिनेंट्स और नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर, और वो हमारे पास ये हैं। यहाँ पे वी हैव सदर्न ओशन और ऊपर हमारे पास आर्कटिक ओशन, तो हमारे पांच ओशन जो है वो कवर हुए हैं। अच्छा ये तो थे हमारे बेसिक ज्योग्राफी के फीचर्स। अब हम बात करेंगे, देखें ये हमने क्या पढ़ा है, दिस इज यूरोप,
ठीक है, अब देखने में कितना छोटा कॉन्टिनेंट है, इसमें कौन से कंट्रीज हैं, उनके क्या कैपिटल्स हैं, उनकी क्या खसूसियात है, हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। हम साउथ अमेरिका जो है वो पढ़ चुके हैं, इसमें हमने देखा कि 10 कंट्रीज हैं, 13 सॉरी कंट्रीज हैं, इसमें अर्जेंटीना चीले वगैरह हमने सारा पढ़ा। अब हमें क्लियर हो गया कि साउथ अमेरिका को जब भी हम देखेंगे हमें ये सारे कंट्रीज और इनके फीचर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह आज हमने जो मैप पढ़ना है ये देखें, ये यूरोप यहाँ पे, अब आपने इसको ध्यान में रखना है कि इसकी लोकेशन दुनिया पे कहाँ पे आ रही है। यहाँ पे ग्रीन वाला वी हैव यूरोप। अब यूरोप के ऊपर आर्कटिक ओशन है, यूरोप के फ्रंट पे वेस्ट की तरफ जाते हुए अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पे हमारे पास यूरोप जो है, ये वर्ल्ड मैप वाली जो बुक मैंने आपको दी थी, एटलस जो है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जो है 21st सेंचुरी के लिए, उसके अंदर अब हम यूरोप को कर रहे हैं। अब ये देखें, इस साइड पे हमारे पास एशिया है, इस साइड पे एशिया है सारा, ठीक है, यूरोप में नीचे हमारे पास अफ्रीका है यहाँ पे, ठीक है, ये एशिया है, इधर जाएंगे तो हमारे पास अटलांटिक ओशन है, तो ये हमारे पास सारा का सारा यूरोप है। तो अब हमने देखना है कि यूरोप जो है उसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, ये उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, और उन कंट्रीज के कैपिटल कौन से हैं, इसको आपने याद भी करना है। पिछला तो मैंने आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि क्या चीज क्या होती है, आपको बस एक रफ आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा फीचर कैसा फीचर है, लेकिन अब हम जो है वो प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि कैसे जो है वो यूरोप जो है उसके अंदर कंट्रीज को हमने याद करना है। आपने जो पेन्स अपनी बुक्स ली हुई है या आपके पास जो मैप है, आपने उस मैप के ऊपर बकायदा उसी तरह लाइन ड्रॉ करनी है जैसे मैंने आपको कहना है, और अगर मैं आपको उसका कोई इंपॉर्टेंट फीचर या कोई ऐसी चीज बताती हूँ तो आपने उसके ऊपर लिख लेना है। देखें, जैसे मैंने लिखा हुआ है वीनस के बारे में, मैंने लिखा हुआ है नीचे, मैंने हजरत उस्मान और ये जो आइलैंड है साइप्रस के बारे में जो क्वालिटीज हैं लिखी हुई है, पेरेंसुलाज मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। इसी तरह आपने सेम, मैंने अपना इसलिए आपसे शेयर किया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपने इसको किस तरह से बनाना है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट, यूरोप को हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है, ये वाली साइड से हम इसका ना ये वाला पार्ट आज करेंगे, बिकॉज इट्स टफ, तो ये पूरा जो है ना वो एक दिन में नहीं होता है, ठीक है। तो आज जो हमने करना है वो यहां से हमने स्टार्ट करना है यूरोप को। सबसे पहले स्टार्ट में अमेरिका से आप यूरोप की तरफ आए हैं तो आपने ना यहाँ से कंट्री, पहला कंट्री आपको शो होगा, ये दो कंट्रीज हैं, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो ये एक लैंड एरिया है, ये सारा वाटर है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो दो कंट्रीज पे मिलके एक पैच बना हुआ है ज्योग्राफी का, इसको क्या, ये क्या चीज है, एक साइड पे लैंड है, तीन साइड पे वाटर है, पेनिनसुला। हाँ जी, ये पेनिनसुला है। अब आपको पता चल गया कि ये पेनिनसुला है, अब आपने इसका नाम याद करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ये देखें, यहां से आपने देखा ये लैंड है फ्रांस की, इसके साथ यहाँ पे वाटर बॉडी अटैच है, और ये पूरा जो पैच है इसका नाम है आइबेरियन पेनिनसुला। आपको एमसीक्यू आता है कि वेयर इज आइबेरियन पेनिनसुला, या फिर आइबेरियन पेनिनसुला में कौन से कंट्रीज हैं, या फिर आइबेरियन पेनिनसुला में कितने कंट्रीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल और स्पेन, ये दो कंट्रीज हैं जिन्हें आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। इसको आपने ऐसे याद रखना है कि जब हम अमेरिका की तरफ से यूरोप में आते हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट जो पहले कंट्रीज हमें टच होते हैं वो पुर्तगाल और स्पेन है। अब पुर्तगाल और स्पेन में ना आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, जैसे मैंने लाइन आपको ड्रॉ कर दी है। अब इस लाइन से आपको हमेशा याद रखेगा कि आपने जब यूरोप का मैप तैयार करना है तो आपने पुर्तगाल और स्पेन को डायरेक्ट कनेक्ट करना है, फिर आपने इसके इसको ऐसे साइड पे ऐसे इसका ना सर्कल बना लेना है जिससे ये शो होगा कि ये क्या है, ये एक पेनिनसुला है, और पेनिनसुला कौन सा है, आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब पुर्तगाल का जो कैपिटल है उसको आपने याद रखना है, ये लिस्बन है, और स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। मैंने आपको बताया था कि कंट्री के कैपिटल याद करने के लिए आपका आसान तरीका ये होता है कि आप जब कंट्री का नाम लेते हैं तो उसके साथ ही उसके कैपिटल का नाम ले लें, वो आपको डायरेक्ट याद ही ऐसे होगा, यानी पुर्तगाल लिस्बन याद कर लें और स्पेन मैड्रिड याद कर लें, तो जब भी आप पुर्तगाल या स्पेन का नाम लेंगे तो आप उसके कैपिटल को ऑटोमेटिकली साथ याद करेंगे। ये था हमारे पास आइबेरियन पेनिनसुला। उसके बाद आप यहां से गुजरेंगे, यहां से आप लाइन ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट फ्रांस से, फ्रांस से आप आगे लाइन ड्रॉ करेंगे जर्मनी में, आगे आप जाएंगे पोलैंड में, आगे बेलारूस में। अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी, पहले आपने दो कंट्रीज को अटैच किया, अब आप चार कंट्रीज को अटैच कर रहे हैं।
अब ये जो चार कंट्रीज को आप अटैच कर रहे हैं, ये आप याद रखें कि आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपने इन चार को अटैच किया। यूरोप में पहले दो, फिर चार आपने लाइन ऐसे अटैच की। ये चार कंट्रीज कौन से हैं याद रखें, लार्जेस्ट पोर्ट है ना, दैट इज गवादर। अब हमने इसको करना है, हाँ जी पासवर्ड आई थिंक बच्चों को, रुके सर एक मिनट, बच्चे ज्वाइन कर ले। आइबेरियन पेनिनसुला से पुर्तगाल और स्पेन आइबेरियन पेनिनसुला के दो कंट्रीज हैं। पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन एंड स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। आपने इसी तरह इस पूरे के पूरे आइबेरियन पेनिनसुला को रखना है। याद रखें जब हम एमसीक्यू पेपर देने जाते हैं ना, चाहे हम एफपीएससी का देने जाएं, पीपीएससी का देने जाएं, मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स जो इस पेपर्स को क्लियर भी कर चुके हुए हैं, आपने उनका भी, मेरा यही एक जो उनसे मैंने फीडबैक लिया था बाद में या जो मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा था, होता ये है कि एक एमसीक्यू आता है ना कि लेट्स से मैं आपसे कहती हूँ आइबेरियन पेनिनसुला, या फिर मैं कहती हूँ कोर मेंटल या अर्थ, मेंटल इज द अपर पार्ट या क्रस्ट इज द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ। अब जब मैं उनसे उनसे बात होती है तो नीचे ऑप्शन में ना, जैसे ऊपर वो लिखे होंगे अर्थ का अपर पार्ट कौन सा है, ऑप्शन में आएगा आपको क्रस्ट, कोर, मेंटल, ये वो। अब लोगों ने ना नॉर्मली याद किए होते हैं एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिवली, फलाना पार्ट ये है फलाना, ये आप भूल जाते हैं। अब जब इसको सब्जेक्टिवली पढ़ते हैं तो आपको खुद ही पता होता है कि अपर पार्ट ये है, कि इवन आपने अगर उसके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है तो आपको वो करना आता होता है, ठीक है। तो फिर ये होता है कि आपको फिर उस पर सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमें एमसीक्यू में जो दो तीन ऑप्शंस गलत होती है ना, हमें उन तीन ऑप्शंस का भी पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ राइट वाली ऑप्शन आनी चाहिए। तो इसलिए आपने अपने आप को थॉरो स्टडी में से गुजारना है, ताकि एक ही दफा आपका वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, और उसके बाद ना आपको किसी ऑब्जेक्टिव पेपर की टेंशन रहती है ना किसी ऑब्जेक्टिव पेपर की टेंशन रहती है। तो आपके लिए हर चीज बहुत क्लियर और आपके सामने एक स्केलेटन जो है बहुत अच्छा सा बन जाता है, और आपको फिर उसके बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप उसमें बस ऐड करते जाते हैं। अब जब मैंने मैप तैयार किया था 2017 में, मैंने इसको पढ़ा था क्योंकि मैं सीएसएस की तैयारी कर रही थी। अब जब मेरी आवाज आ रही है, अच्छा ठीक है। अब उस वक्त जब मैंने एग्जाम दिया था ना, तो मैं, हर बंदा मुझे कहता था कि तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, मैथ क्यों पढ़ी हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट लो, तुम कंपलसरी करंट अफेयर की कोई किताब उठाओ उसमें से और तुम उसको पढ़ना शुरू कर दो। तो मेरे माइंड में आता था कि मैंने सारी जिंदगी मतलब स्टार प्लस देखा है, कार्टून्स देखे हैं, मुझे तो नहीं पता पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। अगर मैं इसको इस तरह से पढ़ लूंगी ना, ये किसी भले आदमी ने मशवरा दिया था इसको इस तरह से पढ़ने का, तो फिर मेरे लिए चीजें करना आसान हो जाएंगी। ऑनेस्टली आई स्टार्टेड इन जुलाई और मैंने अगस्त के एंड पे जाकर मैंने 2 महीने लगा के अपना मैप जो है वो खत्म किया था। और उसके बाद, उससे पहले मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी थी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, 2017 की मैं आपको बात बता रही हूँ, 18 में मैंने एग्जाम दिया था। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हर बच्चे का कोई ना कोई एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है किसी भी एग्जाम का। अब मैं आपको वो एग्जाम बता रही हूँ जो मैंने पास किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके प्रोसेस से गुजरी हुई हूँ। अब होता यह है कि आपने 2 महीने में मैप लगा के पढ़ा, अपनी सीएसएस की कोई किताब ही नहीं पढ़ी। आपको पता है कि जी अगस्त के बाद सितंबर है, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास 5 महीने, आप उसमें पूरा सिलेबस कैसे कवर करोगे। आपने एग्जाम दिया, मैप को सारा अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली पढ़ा। उसके पीछे मेरा एक और भी जो है ना एक मोटिव था, वो ये था कि नेवर इन योर लाइफ एक ही प्लान को अपनी जिंदगी का हिस्सा रखें। मेरे माइंड में था कि मैं अटेम्प्ट देके उसके बाद आई विल गो फॉर वन पेपर, और अगर मेरा उनमें से कोई हो जाता है तो एटलीस्ट आई वुड सिक्योर एनी जॉब, ठीक है। सीएसएस होता है नहीं होता है तो फिर बात की बात है। तो मैंने अपने आप को प्रिग्मेटिक लेकर चली, मैंने वन पेपर भी प्रिपेयर किया और मैंने सीएसएस एग्जाम की भी तैयारी की, लेकिन मेरा मेन फोकस एग्जाम था। खैर, वो करने के बाद जब मैंने 2 महीने के बाद तैयारी शुरू की और न्यूज पेपर पढ़ा, तो मेरे लिए कोई चीज पुरानी नहीं थी।
अगर क्रोशिया की बात हो रही थी तो मुझे पता था, अगर फ्रांस की बात हो रही थी मुझे पता था, अगर पुर्तगाल की हो रही थी मुझे पता था। यानी कि मुझे चीजों का पता इसलिए चल गया कि यहाँ पे ये फलानी चीज हो रही है, इसका मतलब मैंने तो वर्ल्ड मैप में ये चीज यहाँ पे देखी है। अगर एक कंट्री ये है, जर्मनी का मसला है, तो मुझे पता है जर्मनी और फ्रांस का फड्डा चलता रहा है इतने अरसे, तो क्यों चलता रहा है, उनका भी एक ऐसा लैंड एरिया है जैसा पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर है। यानी जर्मनी और फ्रांस है ना, ये देखें, ये जर्मनी और फ्रांस हमसाए हैं, ठीक है। तो मुझे पता था कि यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस की एक ऐसी लैंड है जो कि उसके फ्रांस के कब्जे में आ गई थी, तो जर्मनी मुसलसल उसको लेने पे तुला हुआ है, तो दोनों ने अपना वो एरिया इसी तरह डिस्प्यूटेड है इनका, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर है। सो आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं, आपके लिए एनालिसिस करना आसान हो जाता है, आपको चीजों के जो आपका ना वो एक गिराबंदी होती है दिमाग में, आपके वो डॉट्स फौरन खुल जाते हैं। बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो हमें इतना डीपली और इतना इन डेप्थ आपको कोई भी नॉलेज देगा। जब भी आपने देखे वो पिज्जा का मीनार है ना, उसकी बेस उल्टी बनी है तो बन ही टेढ़ा गया है, ठीक है। आपने पहले अपनी बेस पे ज्यादा मेहनत आपने वहां करनी है। अगर आपने ऐसे पास करना है, आप ज्यादा मेहनत टेंसेस पे करें, अपनी बेसिक अंग्रेजी पे करें। आपने कॉम्प्रीहेंशन पास करना है, आप मेहनत पेयर्स ऑफ वर्ड इडियम्स पे करें। आपको पता होना चाहिए कि किस पेपर में कौन सी चीज पे मेहनत करेंगे तो नंबर आपके आएंगे, आपके नंबरों से आपकी एलोकेशन होनी है। तो आपने बेसिकली हर चीज को प्रैग्मेटिकली और बड़ा स्मार्ट वर्क के साथ लेके चलना होता है। आपने ये चीज कर ली तो आपके ना ऑप्शनल आपके लिए मसला होते हैं, ना आपके कंपल्सरीज आपके लिए मसला होते हैं, ना वन पेपर आपके लिए मसला होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी थिंग्स जो है वो इसी दुनिया से ही आती है ना। तो जब आपने दुनिया ही पढ़ ली, आपको कंट्रीज का पता चल गया, कॉन्टिनेंट्स का चल गया, ज्योग्राफी फीचर्स का पता चल गया, तो पीछे रह क्या जाता है? आपको सिर्फ उसके पॉलिटिकल इश्यूज नहीं आते, पॉलिटिकल इश्यूज जो साथ साथ चलते रहेंगे करंट अफेयर के, आपने वही करने हैं। जैसे जैसे इशू आता जाएगा आप उसको प्रिपेयर करते जाएं, मैप ड्रॉ करना आपको आ जाएगा, फ्लो चार्ट्स बनाने आपको आ जाएंगे, तो क्या रह जाता है पीछे? तो आपका बेसिक मसला हल हो जाता है। एनी हाउ, अब हम यहां से जाते हैं यूरोप में। पहले हमें पता चल गया जी ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, उसमें हम आइबेरियन पेनिनसुला से चले, अब हमने फ्रांस से लाइन ड्रॉ की, हम जर्मनी गए, जर्मनी से हम पोलैंड गए, पोलैंड से हम बेलारूस गए। आपने दो और चार का एक सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। दो में स्पेन और आइबेरियन पेनिनसुला करने के बाद आपने चार कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन लगानी है। अब ये चार कंट्रीज कौन से हैं? सबसे पहले फ्रांस है और साथ जर्मनी है, जर्मनी के आगे पोलैंड है और पोलैंड के बाद बेलारूस है। अब मैं पोलैंड और जर्मनी की आपको हल्की सी एक स्टोरी सुनाती हूँ। याद रखें जर्मनी बहुत बड़ा था बिफोर वर्ल्ड वॉर। हमारी वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी जुलाई 1914 में, वर्ल्ड वॉर वन, और खत्म हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स में 1918 में, ठीक है। अब ये वर्ल्ड वॉर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज की आपस में वॉर थी, और जर्मनी जो था इसमें अगेंस्ट था, ब्रिटिश के भी, ब्रिटेन के भी, फ्रांस के भी, हर अपने हमसाय के अगेंस्ट था जर्मनी। जर्मनी चाहता था कि मैं ये सारा जो है ना एरिया जो है कवर कर लूं, लेकिन हुआ ये कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर जो है वो हार गया। जर्मनी का साथ उस वक्त दिया था टर्की ने, याद रखें। इसीलिए जब ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स हुई थी तो जर्मनी के जो लोग थे उनके ऊपर और टर्की के लोगों के ऊपर, आपको पता है ना, फिर हमारी यहाँ पे 1918 में वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी बरेसगीर में, कि जी तुर्की की खिलाफत जो है वो बहाल रहनी चाहिए। वो क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की और जर्मनी को सजा मिली थी ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स में। तो फिर उन लोगों ने कहा था, हमारे लोग भी उठ खड़े हुए थे, और फिर लेकिन टर्की ने खुद ही अपनी आजादी ले ली थी इनसे, लेकिन जर्मनी नहीं ले सका क्योंकि जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टीज थी, कि जितना वर्ल्ड वॉर पे पैसा लगा था वो सारा इससे इन्होंने रिकवर किया था, इनके लोगों के टैक्स से, रेवेन्यू से। और जर्मनी के अगेंस्ट हमारे पास ये देखें, यहाँ पे यूके था, फ्रांस था, यूएस था, तो इस तरह से। अब जर्मनी जो था वो पहले ये सारा एरिया था, ये वाला सारा एरिया जर्मनी था, ठीक है। फिर जब ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स हुई तो पोलैंड को इन्होंने अलग सेपरेट कर लिया, ये पूरी टेरिटरी जर्मनी की ले ली, एक अलग मुल्क बना दिया पोलैंड, ठीक है। अब कौन बर्दाश्त करता है कि आपकी जमीन का आधा से ज्यादा हिस्सा आपसे ले लिया जाए, ठीक है, जो पूरा जर्मन कंट्री था वो। तो इसलिए उन लोगों ने, याद रखें कि फ्रांस जर्मनी का हमसाया है, और जर्मनी और फ्रांस के ऊपर भी एक कंट्री सैंडविच है, तीन कंट्री सैंडविच है, और नीचे एक कंट्री सैंडविच हुआ है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों कंट्रीज की दीवार बिल्कुल इकट्ठी नहीं है, यहाँ पे तीन कंट्री सैंडविच हुए हैं, इनकी मैं आपको डिटेल बाद में बताती हूँ। फ्रांस पेरिस कैपिटल है इसका, जर्मनी जाए बर्लिन कैपिटल है, पोलैंड जाए वारसा कैपिटल है, और आगे बेलारूस जाएंगे तो उसका कैपिटल है, ये देखें, या मिन्स्क, ये।
सो यू हैव फोर कंट्रीज इन लाइन. आइबेरियन पेनिनसुला से आप चलते हैं स्पेन, पुर्तगाल से आप स्पेन में गए, आपने लेट्स से यूरोप की सैर करनी है तो आप पुर्तगाल से स्पेन में गए, स्पेन से आप फ्रांस गए, फ्रांस के बिल्कुल साथ आगे जर्मनी है, जर्मनी से आगे पोलैंड है, पोलैंड से आगे बेलारूस है और ये इनके कैपिटल है. तो आपने दो और चार का एक टांका लगाया, ठीक है. अब आप इस साइड पे देखें, यू हैव थ्री कंट्रीज, ठीक है. आपको पता है ना इस साइड पे एशिया है, यहाँ पे वी हैव रशिया, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जहन में रखें. ये रशिया है, यहाँ जॉर्जिया है, यहाँ टर्की है. याद रखें ये तीन कंट्रीज ऐसे कंट्रीज हैं जिनको कहा जाता है कि ये यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है. इनको तीनों को कहा जाता है कि ये यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है, यानी कि ये बाउंड्री है एशियन कॉन्टिनेंट की यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ. और ये जो तीन कंट्री हैं रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की, इनको कहा जाता है कि यूरोप का भी पार्ट है और रशिया इसका एशिया का भी पार्ट है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. अब क्या क्वालिटीज हैं इसकी. टर्की का एक नाम भी मशहूर है, याद रखें, इसको कहा जाता है सिख मैन ऑफ यूरोप. टर्की को कहा जाता है सिख मैन ऑफ यूरोप, ठीक है ना. तो आपने ये भी याद रखना है, इसको इसीलिए कहा जाता है कि टर्की इसका जो मेजर टिल्ट है दैट इज टूवर्ड्स यूरोप, बट इट इज अ मुस्लिम कंट्री एंड इट इज ऑन द बाउंड्री ऑफ एशिया एंड यूरोप, ठीक है. सो टेक्निकली आपने इसका ये नाम याद रखना है. अब आप देखेंगे बीच में आपको एक क्वेश्चन भी नजर आ रहा है, ये सी भी नजर आ रहा है, ब्लैक सी. ब्लैक सी को कहा जाता है ये वो सी है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है. एशिया और यूरोप को अलग करने वाला सी जो है वो ब्लैक सी है, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी, ये सारा यूरोप है. तो ब्लैक सी वो कंट्री है जो एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है. ब्लैक सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसकी मजीद डिटेल भी बताऊंगी. अच्छा, ये तो हो गया हमारा एक लाइन वाले कंट्रीज. अब आपको आई होप क्लियर होंगे कि ये वाली पूरी लाइन हमने कर ली. अब हमने कॉन्टिनेंट को डिवाइड करना है. आधा कॉन्टिनेंट ऊपर है, ठीक है, आधा कॉन्टिनेंट इसके नीचे है. नीचे वाला थोड़ा सा टफ है, ठीक है. उसको करने के लिए हम सेपरेट क्लास आई बिलीव हमारी होनी चाहिए, लेकिन नीचे वाले की मैं थोड़ी सी आपको डिटेल अभी बताऊंगी ताकि आपको एक रफ सा यूरोप का आइडिया हो जाए. याद रखें जर्मनी और फ्रांस से नीचे ना हमारे पास है, एक मिनट, ये देखें जर्मनी और फ्रांस के दरमियान ना ऐसे एक वो बना हुआ है, कंट्री बना हुआ है, स्विट्जरलैंड, द मोस्ट पीसफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है. इनको कोई दुनिया में किसी से कोई मसला नहीं है, ना इनसे किसी को मसला है. याद रखें आपने लॉन्ग बूट देखा हुआ है, जो ये लड़कियों के शूज होते हैं जो घुटनों तक होते हैं, लॉन्ग शूज ब्लैक वाले या किसी भी कलर के, ये देखें इस तरह लग रहा है कि ये एक लॉन्ग शू है, ठीक है. और ये ऐसे लग रहा है उसके ऊपर फर लगी हुई है, ऐसे लग रहा है कि एक लॉन्ग बूट पड़ा हुआ है और उसके ऊपर फर लगी हुई है. तो याद रखें जर्मनी और फ्रांस के दरमियान ना एक लॉन्ग शू है और उसके ऊपर फर लगी हुई है. तो जो लॉन्ग शू है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं इटली. अब अगर आप ध्यान दें तो इटली भी एक पेनिनसुला है, ऐसे ही है ना, ऊपर लैंड है, नीचे तीन साइड पे वाटर है. तो इसका नाम है लॉन्ग शू या बूट पेनिनसुला कहते हैं इसको. इटली इटसेल्फ इज बूट पेनिनसुला और लॉन्ग शू पेनिनसुला. तो आपने ये चीज याद रखनी है. और इटली का क्योंकि लॉन्ग बूट है, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने उसको फंकी करना था, तो उसके ऊपर हमारे पास एक फर वाला एक लगा हुआ है, थोड़ी सी फर लगी हुई है उसके स्टाइल में आप ऐड कर लें. इसको हम कहते हैं स्विट्जरलैंड. तो स्विट्जरलैंड इज ऑन द टॉप ऑफ टर्की एंड इटली, सॉरी टॉप ऑफ इटली. और इटली और स्विट्जरलैंड जो है ये इनके ऊपर जो है, दे आर सैंडविच बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी. अब ये देखें आपके सामने ना, ये एक छोटा सा इटली के सामने ना ये पड़ा हुआ है, एक ये येलो और एक पर्पल. हमेशा याद रखें इस दुनिया में जितने कलर्स बने हुए हैं ना, लेट्स से इटली है ना, तो इटली का जो इटली से रिलेटेड चीजें होंगी उसका कलर ये होगा सेम. अब ये येलो कलर आ रहा है यहाँ पे तो इट्स ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू फ्रांस. ये पर्पल कलर है तो इट्स ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू इटली. मैं इटली और स्विट्जरलैंड करा रही हूँ, बालकान पेनिनसुला अभी नहीं कराऊंगी आपको, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम. अच्छा, इटली के फ्रंट पे हमारे पास दो आइलैंड्स हैं. आइलैंड क्या होता है, जिसके चारों साइड पे पानी होता है, ठीक है. पेनिनसुला वो होता है जिसके तीन साइड पे पानी होता है. अच्छा, एक आइलैंड है येलो कलर का, यानी ये येलो फ्रांस से लिंक्ड है. फ्रांस का ये आइलैंड है जिसका नाम है कॉर्सिका आइलैंड. अभी जो कॉर्सिका आइलैंड है ये एक ऐसा आइलैंड है जिसकी इंपॉर्टेंस हम ऐसे करते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट 1979 में, सॉरी 1779 में हमारे पास क्या आया था, रेवोल्यूशन आया था जिसको हम कहते हैं कि
फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसका नाम है, ठीक है, क्योंकि 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था। अब उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के थ्रू पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश की थी और नेपोलियनिक वॉर्स हुई थी और यूरोप सारा जो है दोबारा से इन सारे कंट्रीज में ना मसले हो गए थे, क्योंकि नेपोलियन जो है वो चाहता था कि मैं इस सब के ऊपर कवर करूं। फिर 1815 में जब नेपोलियन को हराया गया और उसके बाद दोबारा से एक ट्रीटी की गई जिसे कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप कहते हैं, उसके बाद दोबारा से यूरोप को जो है वो पीसफुल ट्रीटी के थ्रू हमने चुप कराया। अदरवाइज दुनिया में सबसे देखने में ना मैप के अंदर यूरोप दिखने में सबसे छोटा है, लेकिन पंगे सबसे ज्यादा यूरोप ने लिए हुए हैं। वर्ल्ड वॉर वन भी इधर, वर्ल्ड वॉर टू भी इधर, सारे पंगे इनके, ठीक है। बाकी सारी दुनिया हालांकि ज्योग्राफी के लिहाज से बहुत आगे है, लेकिन इनका सिस्टम और इनका जो इनके जो लोग हैं उनकी और जरा क्वालिटी है। अच्छा, कॉर्सिको आइलैंड का आपने याद रखना है कि दिस इज पार्ट ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन में है और नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो इसमें जो है वो पैदा हुआ था। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सार्डिनिया आइलैंड। सार्डिनिया आइलैंड हमारे पास इटली का आइलैंड है। अब अगर आप ध्यान करें तो कॉर्सिका और सार्डिनिया आइलैंड के दरमियान एक वाटर बॉडी है जो निकल रही है इस तरह, ठीक है, यानी दो लैंड एरियाज को सेपरेट करी है, तो डेफिनेटली ये कोई स्ट्रेट होगी। तो याद रखें यहाँ पे जो स्ट्रेट इसको सेपरेट करी है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसो। ये खैर मैंने आपको ऐसे बता दिया, ये हम फिजिकल फीचर्स में भी करते होते हैं। अच्छा, ये हमारी यूरोप की लाइन ड्रॉ हो गई ऐसे, उसके बाद हमारा लॉन्ग बूट आ गया। अब हम जाएंगे ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। याद रखें कि यूरोप में यहाँ पे अभी हमने किया था फ्रांस और जर्मनी, नीचे सैंडविच हुआ हुआ है स्विट्जरलैंड और इटली, और ऊपर हमारे वी शेप कंट्री सैंडविच हुए हैं। तीन कंट्रीज हैं जिनकी शेप वी की तरह की है, ये सैंडविच हुए हैं, और इसको हम तीन कंट्रीज को मिला के कहते हैं बेनिलक्स स्टेट। बेनिलक्स स्टेट्स, इसका भी आपने इसी तरह राइट्स कनेक्ट करने हैं, ठीक है, लाइन को आपने बाउंड्री बनानी है। आपको याद होना चाहिए फ्रांस एंड जर्मनी जो है इनके नीचे भी, मतलब आप समझे कि फ्रांस और जर्मनी में दराड़ है, इनमें दराड़ है क्योंकि इनमें आपको पता है कश्मीर इशू जैसा एक खड्डा है, ठीक है, इनमें दराड़ होने की वजह से नीचे भी दो कंट्रीज इसमें अटैच हैं और ऊपर तीन कंट्रीज अटैच हैं। आपने इसको इस तरह से याद कर लिया, जो नीचे था वो स्विट्जरलैंड और इटली है, यानी लॉन्ग बूट है नीचे, और ऊपर हमारे पास वी शेप जो है वो हमारे पास वो है स्टेट्स हैं जिनको हम कहते हैं बेनिलक्स स्टेट। अब ये जो तीन स्टेट हैं ये कौन सी वाली हैं, तो याद रखें यहाँ पे वी हैव थ्री स्टेट्स। कंट्री का नाम सारे कैपिटल वर्ड्स में लिखा होता है, ठीक है, और कैपिटल जो होता है वो सेंटेंस केस के अंदर लिखा होता है। नेदरलैंड है, बेल्जियम है और लग्जमबर्ग है, तीन कंट्रीज हैं, नेदरलैंड बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। अब नेदरलैंड जो है इसका पुराना भी एक नाम है जिसको कहते थे हॉलैंड, अब इसका नाम चेंज होकर नेदरलैंड्स बन गया हुआ है। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है और इसका नया नाम जो है वो नेदरलैंड्स है। नेदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स एंड लग्जमबर्ग का कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी। ये तीन वी शेप कंट्रीज हैं और इनको हम कहते हैं बेनिलक्स स्टेट्स, ठीक है। इसी तरह जब हम पोलैंड और बेलारूस में जाते हैं तो इनके दरमियान भी ऊपर तीन कंट्रीज अटैच हैं, उसी तरह जैसे जर्मनी और फ्रांस के दरमियान अटैच हैं। ये तीन कंट्रीज जो हैं इनको हम कहते हैं एल एल कंट्रीज, ठीक है, ई डबल एल, इस्टोनिया लेटविया लिथुआनिया, ठीक है, इस्टोनिया लेटविया लिथुआनिया, और इन तीन कंट्रीज को हम कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स। पिछली हमने जो की थी वो बेनिलक्स स्टेट्स थी, इनको हम बाल्टिक स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखें कि पोलैंड के ऊपर भी है बाल्टिक सी, तो उसकी वजह से इनको बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। अच्छा, बाल्टिक स्टेट्स जो है इस्टोनिया लेटविया एंड लिथुआनिया है। इस्टोनिया का कैपिटल आपने याद रखना है टैलिन है, लेटविया का कैपिटल हमारे पास रीगा है और लिथुआनिया का कैपिटल है विल्नियस, ठीक है। अब जो विल्नियस है वो आपने इस तरह से भी कर सकते हैं कि ई एल एल, आगे आपको पता है बी एल टी चल रही है, बी आर टी चल रही है इधर पेशावर में, तो आपने इसको ना वी आर टी कर लें, ठीक है, विल्नियस रीगा और टैलिन। ये खैर आपकी मर्जी है कि आपने इसको किस तरह से याद करना है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आपने इन तीन कंट्रीज का सीक्वेंस लाजमी याद रखना है, इस्टोनिया लेटविया लिथुआनिया। इनको मैंने इकट्ठा ही याद किया था, तो मैं जब बोलती हूँ मैं इकट्ठा बोलती हूँ और मुझे पता है कि ये बाल्टिक स्टेट्स हैं, ठीक है। अब आपको एमसीक्यू आता है बाल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं आपको पता है। अब आप अगर यहाँ से मैप को देखेंगे तो आपको ये वाला एरिया ये क्लियर हो चुका है,
आपको इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास ये बालकान पेनिनसुला है, ये हम कल करेंगे और हम बालकान वॉर्स का भी जिक्र करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अच्छा फिर आ जाता है हमारे पास ऊपर, अब हम चले जाएंगे, ये देखें जर्मनी के टॉप पे ना छोटा सा लैंड एरिया है और उसके साथ तीन साइड पे वाटर अटैच है, तो ये कंट्री है जिसको हम कहते हैं डेनमार्क। डेनमार्क इटसेल्फ इज पेनिनसुला, एक पेनिनसुला है डेनमार्क जिसका नाम है जटलैंड पेनिनसुला, जटलैंड पेनिनसुला। डेनमार्क जो है ये एक कंट्री है जिसका कैपिटल है कोपेनहेगन। तो डेनमार्क जो है वो जर्मनी के साथ, आपने देखा जर्मनी के पंगे सबके साथ थे, और जर्मनी ही ऐसा ज्योग्राफिकली कंट्री है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज अटैच हुए हैं, बेनिलक्स स्टेट्स अटैच हैं, स्विट्जरलैंड इटली अटैच हैं, उसके बाद हमारे पास ऊपर डेनमार्क यानी जटलैंड पेनिनसुला भी जर्मनी के साथ अटैच है। तो आपको इस तरह ही ये चीजें अपने माइंड में क्लियर होती जाएंगी। तो डेनमार्क जो है वो जो है इसको हम कहते हैं कि ये जटलैंड पेनिनसुला है, और यहाँ पे अगर आप देखें ये जो है ना है कि जी नॉर्वे है उसमें 6 महीने सर्दी रात होती है, 6 महीने सुबह होती है, उसका बेसिकली ये होता है कि देखिए ना ग्लोब है ना गोल, तो यहाँ पे सूरज की रोशनी बिल्कुल कम पड़ती है क्योंकि नीचे इक्वेटर में सूरज की रोशनी डायरेक्ट है, तो ऐसे जगह बनी हुई है यहाँ सूरज की रोशनी, तो यहाँ पे तो बहुत कम रोशनी होगी ना, तो सूरज जो है ना वो टिल्टेड फॉर्म में, तो अर्थ का टिल्ट कभी इस तरफ, ये नॉर्थ पोल है, कभी अर्थ का टिल्ट होता है इस तरफ, कभी होता है इस तरफ, जिस साल अर्थ का टिल्ट उस तरफ होता है मैम आवाज का इश्यू आ रहा है। यस मैम आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, इंटरनेट मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके चलें जी, अब हम चले गए ऊपर, हमने इसको ड्रॉ किया और हमें पता चला कि जो ये जो चार स्टेट्स है ना ये वाली, ये जो चार बच्चे, वो एक्चुअली मेरा इंटरनेट जो है वो डिसकनेक्ट हो गया था, तो अभी मैंने इसको दोबारा से कनेक्ट किया, इस वजह से जो है वो जूम मीटिंग जो है वो हमारी जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। अच्छा बच्चे आपके कोई क्वेश्चंस हैं किसी एग्जाम के हवाले से तब तक पूछना, ताकि तब तक बाकी बच्चे इसको ज्वाइन कर लें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम मैम, रमजान के बाद क्लास की टाइमिंग क्या होगी? जी आई सेड रमजान के बाद क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी? क्लास की टाइमिंग एक्चुअली मैं होती हूँ ऑफिस, तो रमजान अभी तो रमजान में 2 बजे मैं वापस आ जाती हूँ, तो इस वजह से टाइमिंग जो है वो जो मैंने उसमें चेंजेस किए या जो जो हम मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं कि उन्होंने इस क्लास का क्या फायदा, वो सब कुछ मेरे पास है, हर चीज शेयर हुई भी है, तो वो बच्चे नॉर्मली अपनी प्रैक्टिस मुझे सेंड करते थे, यानी कि उन्हें मैंने फर्स्ट करें यूरोप पढ़ाया तो यूरोप का मैप ड्रॉ करेंगे, अब जो मैं देखूंगी ये उस बच्चे ने 20-25 पेजेस उस मैप को बार बार ड्रॉ किया है, तो उसको ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा कि उसको मेमोराइज हुआ हुआ है। हाँ लेकिन जब मैं फिजिकल फीचर्स पढ़ाती हूँ, वो हमारा अलग से पेज है, वो मैं पूरा PDF फॉर्मेट आपको भेजती हूँ, वो आप जो है उसको प्रिंट कराते हैं और हम उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेट बेस माउंटेन रेंजेस डेजर्ट्स और रिवर और ये सारे रिवर सिस्टम जो है वो हम पढ़ते हैं और उनके नाम भी होते हैं, उनका मैं टेस्ट लेती हूँ। पोलिटिकल मैप की मैं सिर्फ प्रैक्टिस देखती हूँ और मैप उसकी जो है ना वो मैं टेस्ट लेती हूँ, वो मैं सुनती हूँ नॉर्मली,
आपसे सुन लिया, वीडियो ऑन करवा लेती हूँ कभी कभी बच्चों से जो करना चाहते होते हैं तो उनसे डायरेक्टली सुन लिया, या फिर मैंने उनसे मतलब क्लास में बात करते हुए सुन लिया, एक दिन टेस्ट का रख लिया इस तरह करके। लेकिन ये पॉलिटिकल मैप का मेरे नजदीक टेस्ट से बेहतर हल होता है कि हम उसको प्रैक्टिस उसकी मुझे दिखाई जाए। अच्छा जी, अब हमारा थोड़ा सा पार्ट है कि इसको रहते हैं क्योंकि सबका रोजा भी होगा तो डेफिनेटली इतना टाइम नहीं है हमारे पास, आज जरा क्लास थोड़ी लंबी हो गई। तो यहाँ पे हम थे कि स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं ये, ठीक है, स्कैंडिनेवियन, इनको आपने याद रखना है जिस तरह जटलैंड पेनिनसुला को याद रखा। यूरोप में हमारी इस तरह की तीन स्टेट्स आएंगी, बेनेलक्स, बाल्टिक्स एंड स्कैंडिनेवियन स्टेट, ठीक है। वैसे बालकान स्टेट्स भी है नीचे, लेकिन आपने इन तीन को मेन याद रखना है। अच्छा, अब स्कैंडिनेवियन स्टेट में हमारे पास डेनमार्क ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है और ऊपर हमारे पास तीन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। आपने वो मनी हाइस्ट भी देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा काफी लोगों के ना नाम इस तरह से थे, जिस तरह किसी का नाम टोकियो था, कोई हेलसिंकी था, कोई कुछ इस तरह के, हाँ तो आपने याद रखना, हाँ जी नैरोबी था। तो इस तरह के ना उनके इन्हीं कंट्रीज के जो स्टेट्स हैं उनके जो कैपिटल्स थे ना, ऑस्लो नाम था, स्टॉकहोम था, वो इन्हीं स्टेट्स के कैपिटल के नेम थे। देखें, नॉर्वे का कैपिटल है ऑस्लो, ठीक है, स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम, फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी, ठीक है। आपने याद रखना है कि ये जो स्टेट्स हैं इनको कहा जाता है कि ये बड़ी जो है ना वो स्टेबलाइज्ड स्टेट्स हैं, इनका बहुत किसी वॉर में इस तरह से पार्टिसिपेशन नहीं है, ये लोग पीसफुल कंट्रीज कंसिडर होते हैं। और वैसे ये लोग जो है ना ये इनका कोई रिलीजन जो है इनका ये कोई एंटी रिलीजन होना तो एथियस्ट कहते होते हैं इनको, और ये लोग ना सिर्फ पीस पे बिलीव करते हैं और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं आपने याद रखना है कि इनमें एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। नॉर्वे का याद रखें, नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है उसमें विमेन की तादाद मर्दों से ज्यादा है, ठीक है, और ये लोग बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड फॉर्म के कंट्रीज हैं, ना इनका कोई इकोनॉमिक एसेज मेजर इशू है, ना इनका क्लाइमेट का एसेज मेजर इशू है, ना इनका कोई पॉलिटिकल एसेज मेजर इशू है। तो स्कैंडिनेवियन स्टेट्स यूरोप की जो है वो पीसफुल स्टेट्स काउंट होती हैं। नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ऊपर को नीचे हमारे पास आ जाता है डेनमार्क। अच्छा याद रखें, एक कंट्री का अगर एक पार्ट इधर डेनमार्क है ना तो दुनिया के किसी दूसरे कोने पे उसी की ही एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी भी मौजूद होती है। हमारे पास नॉर्थ अमेरिका के साथ ही ना ग्रीनलैंड मौजूद है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड मौजूद है। और ग्रीनलैंड को कहा जाता है कि ये एक आइलैंड है, आपको पता है आइसलैंड है ना लेफ्ट साइड पे, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल साथ ना ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड जो है वो बेसिकली डेनमार्क की टेरिटरी है, ठीक है ना। तो ये जो है ये हमने याद रखना है कि डेनमार्क इधर है ऑरेंज कलर का, ये इधर ऊपर आइसलैंड है, और यहाँ पे आगे करके ना थोड़ा सा उसके साथ ग्रीनलैंद वैसे ग्रीन कहलाता है लेकिन इधर बर्फ से भरा होता है, और आइसलैंड जो है ये वैसे आइसलैंड कहलाता है लेकिन ये टोटल ग्रीन है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो वो डेनमार्क की टेरिटरी है, देखने में डेनमार्क छोटा है लेकिन इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी बहुत बड़ी है। अच्छा जी, किसी ने सवाल किया हुआ है कि स्कैंडिनेवियन का मतलब क्या है। देखिए स्कैंडिनेविया इनका जो है ना ये जिस तरह हमारा है ना हम पंजाबी हैं, इस तरह इनकी लैंग्वेज है, तो स्कैंडिनेवियन उन लोगों की उसकी वजह से इसको स्कैंडिनेवियन कहते हैं कि जो स्कैंडिनेवियन लोग है वो यहाँ पे रहते हैं, तो इस वजह से इसको स्कैंडिनेविया कहा जाता है। अच्छा ये हमारे पास हो गए, अब आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको हम यहाँ पे करेंगे, जिसको बहुत जरूरी पार्ट कहा जाता है यूरोप का, जिसमें हमारे पास यूनाइटेड किंगडम है और रिपब्लिक ऑफ आवाज आ रही है मेरी।
मैम अभी आई और है। थोड़ा सा ना यहाँ इस्लामाबाद, एक्चुअली मैं इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद में ना इस वक्त बहुत बुरा मौसम हुआ है, एक्सट्रीमली बैड वेदर, और उसकी वजह से इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आया हुआ है। तो अच्छा, अब हमने ये देखना है कि स्कैंडिनेवियन स्टेट्स के बाद हमारे पास ये अपने याद रखना, हमें पता है कि अभी अभी रिसेंटली ब्रेग्जिट हुआ है। ब्रेग्जिट क्या है कि ब्रिटिश ने एग्जिट कर लिया है कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से। अब आपको यही पता ना हो कि यूरोपियन यूनियन क्या है, इसके इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन से हैं, तो फिर आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूरोपियन कंट्रीज जो कि हमने अभी अभी पढ़े हैं उसके अंदर है, और उसमें आपने याद रखना है कि 28 कंट्रीज से मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। आपको पता है कि यूरोप हमेशा वॉर पे रहा है, वर्ल्ड वॉर वन में भी वॉर पे, वर्ल्ड वॉर टू में भी वॉर पे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम ग्लोबलाइज्ड हो जाते हैं, हम अपने कंट्रीज के आपस में बॉर्डर्स खोल देते हैं। ये सारे कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम अपने बॉर्डर्स खोल देते हैं, अपनी ट्रेड वगैरह, लोगों का आना जाना हम ओपन कर देते हैं, हम दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेशनलिज्म भरा हुआ है, तो हम जब दोस्ती करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इशू रिजॉल्व होगा। तो फिर जब इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई, 28 कंट्रीज का पार्ट बने जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ये सारे यही वाले यूरोप के कंट्रीज थे, इनकी ट्रेड बहुत ज्यादा बूस्ट की। 2008 तक इसने एक्सेप्शनली अच्छा ग्रो किया, इनको इतना इकोनॉमिक फायदा हुआ, इतना ज्यादा कि इनके जितने डिप्रेशन थे, जितने इनके इकोनॉमिक रिसेशन थे वो खत्म हो गए, इनके लोगों का आना जाना सब कुछ, हर चीज यूरोप में जो है ना वो परफेक्ट हो गई। इसी को देखते हुए फिर दुनिया में और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जैसे सार्क बनी, SCO बनी, आसियान बनी, इस तरह और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, ठीक है। आपने याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन में जब ये शुरू में इनका एक पूरा एक पार्लियामेंट है यूरोपियन यूनियन की, इनकी ना मेंबरशिप फीस होती है बहुत ज्यादा। तो ब्रिटेन ने जो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम है ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, ठीक है, और इसको बहुत ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती थी। बहुत अरसे बाद जब इसने सुन किया कि अच्छा यूरोपियन यूनियन में अब लोगों का आना जाना इतना हो गया कि लंदन में लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, बाहर के लोगों की, और ये जो लोग लेबर करने, बेसिकली इनके पास ना लेबर बहुत महंगी थी, इनको चाहिए थे एशिया के और दूसरे कंट्रीज के लोग जो आके इनकी फैक्ट्रीज में काम करें और सस्ती लेबर इनको मिलती, इसलिए इन्होंने ना लोगों को पहले आने दिया, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्होंने माइग्रेंट्स की। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता इन्हें फील हुआ कि अच्छा ये तो लोग हमसे ज्यादा हो रहे हैं और इनको हमारी नौकरियां मिल रही हैं, तो फौरन से इनके लिए ग्लोबलाइजेशन बुरी होना शुरू हो गई। यानी कि जब तक इनको 90% और 10% का फायदा होता है ना कि अगले को 10% फायदा और आपको 90% हो रहा हो, तब तक ये ग्लोबलाइजेशन भी इन्हें पसंद है, तब तक इन्हें नेशनलाइजेशन भी पसंद है, तब तक इन्हें इंपीरियलिज्म भी पसंद है। ये लोग अपना इतना ज्यादा फायदा सोचते हैं कि द मोमेंट इन्हें लगता है ना कि अगले कंट्री को 50% और हमें 50% फायदा हो रहा है, ये तब भी उस चीज को छोड़ देते हैं। ग्लोबलाइजेशन की इन्होंने, ठीक है, वर्ल्ड कंट्रीज ने, इनको था कि जी वेस्ट से जो हमें, जो ईस्ट से हमें लेबर मिल रही है, इनका रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है, ओपन ट्रेड हो रही है, इनको जब तक एक्सेप्शनली ज्यादा फायदा था इन्होंने ग्लोबलाइजेशन की। अब क्योंकि सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, देखिए आपने पानी में चीनी को मिक्स करना है, आप उसे मिक्स कर रहे हैं, पानी मीठा हो ही जा रहा है, आपने इतनी चीनी मिक्स कर दी है कि एक पॉइंट आएगा कि पानी सेचुरेट हो जाएगा, पानी के अंदर और कैपेसिटी नहीं होगी कि वो और चीनी को मिक्स कर सके। तो जब सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो उसके बाद मजीद आप चीनी नहीं मिक्स कर सकते, उसमें जो मिक्स करेंगे वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन के बाद जब इन्हें ब्रेग्जिट का क्यों नीड हुई, क्योंकि लंदन में यूके को ये फील हुआ कि पहले तो हमें बड़ा यूरोपियन यूनियन का फायदा था, हमारे साथ ट्रेड ओपन थी, हमारी माइग्रेशन ओपन थी, हर चीज से हमें जो है वो फायदा हो रहा था, लेबर मिल रही थी, लेकिन अब हमें नुकसान हो रहा है, अब हमें उतना फायदा नहीं हो रहा। तो इन्होंने कहा कि हमें क्यों जरूरत है यूरोपियन यूनियन के साथ होने की, जब हम अपनी ओपन ट्रेड वैसे भी कर सकते हैं, अपने बॉर्डर्स क्लोज करके भी कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन छोड़ देंगे। उसके लिए इन्होंने अपना एक ब्रिटिश एग्जिट का एक रेफरेंडम कराया था और उसमें एक वोट से ये लोग जीत गए थे, यानी 51% of 50 का आया था इनका ना, तो उससे ये लोग जीत गए थे। अच्छा, अब पहले मैं आपको इनकी एक बेसिक साइंस समझाती हूँ जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती। अच्छा, बेसिक साइंस ये है कि ये है जी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि यूनाइटेड किंगडम क्या है। यूनाइटेड किंगडम कहते हैं चार जो है ना इनके स्टेट्स हैं उससे मिलके बना हुआ है, ठीक है। इस तरह आप इसको माइंड में रखें,
एक है हमारे पास स्कॉटलैंड, एक आयरलैंड, ठीक है, रखें ईस्ट और वेस्ट है ना, ठीक है। आपकी यूनम जो है, मेरी आवाज क्लियर है? मैम रुक रुक के आ रही है। अच्छा रुके जरा, मैं एक मिनट इसको ना, अब आ रही है मेरी आवाज से? यस मैम अब आ रही है। इशू आ रहा है तो आई बिलीव हमें इस वक्त क्लास को ना कंक्लूड कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा अब जो है ना वो बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। तो यूके के साथ बस आपने इसको इस तरह करना चाहिए कि हमने अब नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ना है इस तरह से के नोट कर दे प्लीज। अच्छा, इसी तरह आपने याद रखना है कि यूके का मैप जब हो जाएगा, और थोड़ा मौसम का मसला है तो नेट सही नहीं आ रहा, अब मैं नेक्स्ट टाइम इसको देख लूंगी कि इसको कैसे मैनेज करना है। और इसी तरह हम यूके का जो है वो नीचे वाला सारा पार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर हम जब हमारा पूरा यूरोप हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा फिजिकल मैप करते हैं हम एंड पे। इसको अब आपने ना छोड़ नहीं देना क्लास के बाद, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने इस यूरोप के मैप को बार 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 लिखना है, 20 से 25 दफा आपने इसको ड्रॉ करना है, कोई 2-1 घंटे आपका ये टाइम लेगा। लेकिन आपने मोबाइल साइड पे रख देना है, आपने मैप सामने रखना है, आइबेरियन पेनिनसुला से शुरू करना है, लेट मी रिपीट, आइबेरियन से करना है और ये 4 कंट्रीज करने हैं, फिर जर्मनी और फ्रांस के सैंडविच कंट्रीज करने हैं, फिर आपने बेनेलक्स स्टेट्स करनी है, बाल्टिक स्टेट्स करनी है, स्कैंडिनेवियन स्टेट्स करनी है, ये आपके लिए फिलहाल काफी है। इनको जब आपने प्रिपेयर कर लेना है तो मैं आपको यूके की डिटेल बताऊंगी, और फिर हम बालकान पेनिनसुला करेंगे, और ये जो 3 कंट्रीज मैंने आपको बताए जो कि एशिया और यूरोप का मिक्सचर है, और 6 मैन ऑफ यूरोप जो कि टर्की है, हमारा हाफ यूरोप आज कवर हुआ है और हाफ यूरोप हमारा भी रहता है। वंस यू आर डन विद इट तो फिर हम अगला मैप शुरू करेंगे जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप होगा। तो मैं आपको यूरोप के साथ ही नॉर्थ अमेरिका जो है वो अगली क्लास में कराऊंगी। ज्यादा पढ़ने का नुकसान ये होता है कि फिर हमें वो याद नहीं होती चीजें, तो वो दिमाग इतना सस्टेन नहीं कर सकता, तो सैचुरेशन पॉइंट आने से पहले हमें अपनी क्लास को खत्म करना होता है। तो आई थिंक ये सफिशियंट है। अच्छा, बुक आपने जो देनी है ना, मैं पढ़नी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास उसकी पिक्चर है, लेट मी शेयर। आपने ये वाली बुक लेनी है, सेकंड मैं आपको ना वो शेयर करती हूँ, ग्रुप में भी शेयर हुई भी है आई बिलीव। एक मिनट, ये वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये बुक है।